कागज नहीं दिखाऊंगा। का जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। बयान बहादुरों का फिर निकल पड़ा है कारवां। हर तरफ से आ रहे रस छक और अलंकार भरे बयान। सियासत में पूरे उफान पर है हिंदू मुसलमान। कोई बुरके पर मांग रहा है बैन। मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। भारत में भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह बुरका समाप्त करना पड़ेगा। किसी के कोट पतलून पर ठहरे ने अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते। चादर नहीं होता, जैकेट नहीं होता, कोट नहीं होता। वो ऐसी भी बेवजह बैठे हैं सीना तान। कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे मार गोली। संगीत सोम भी कर रहे हैं जंगे ऐलान। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। जूते खाके भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। क्या विचित्र बयानों पर कभी लगेगा पूर्ण विराम? मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। कागज नहीं दिखाऊंगा। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते। तोल मोल के बोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तोल मोल के बोल और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। टीवी स्क्रीन पर आपको तीन तस्वीर नजर आ रही है। एक ओवैसी की है, दूसरी संगीत सोम की। इन दोनों नेताओं को हर कोई जानता है। क्यों? विवादों में जो ये रहते हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो रघुराज सिंह की है। ये उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इन्होंने ऐसी बयानबाजी की है जिससे अच्छे अच्छे पीछे छूट गए। पर्चा, बुरका, धोती, कुर्ता सब सियासी मंच पर है। यही वजह है बोलते बोलते नेता कुछ भी बोल जाते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं तोल मोल के बोल। कागज नहीं दिखाऊंगा। का जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। तोल मोल के बोल में सबसे पहले बात AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की करेंगे। दोनों के बीच जब जुबानी जंग की शुरुआत हुई तो कौन क्या क्या बोल जाता है इसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओवैसी ने CA और NRC का विरोध करते हुए बोला वो पेपर नहीं दिखाएंगे। तो संगीत सोम ने क्या कुछ कहा, चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। फायर ब्रांड नेताओं के बीच में जुबानी फायर। कागज नहीं दिखाऊंगा। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। पहले ओवैसी ने ललकारा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे मार गोली। फिर संगीत सोम ने भी गुस्सा दिखाया। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। जूते खाके भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा। आखिरकार कागज पर कब तक कोहराम? नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच अब बयानों की बौछारें तेज हो गई हैं। विरोध करने वाले भी झुकने को तैयार नहीं और समर्थन करने वाले विरोधियों को जवाब न दे ऐसा बिल्कुल नहीं।
एक तरफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं, तो देश भर के कई हिस्सों में विरोध करने वालों की भी कमी नहीं। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने CAA और NRC के खिलाफ बोलते हुए आग बबूला तो हुए ही, साथ भी फिर से विवादों में आ गए। यूं तो ओवैसी का विवादों में आना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब बात CAA और NRC की हो जाए तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस देश में रहेंगे और कागज भी नहीं दिखाएंगे। आप हमको डरा रहे हैं, गोली मारेंगे नहीं, क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली, इसी में हमारा कागज छुपा है। मार दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आई। मार गोली, जिस जगह मारता है मार। असदुद्दीन ओवैसी इतने पर ही शांत नहीं हुए। CAA और NRC पर कागज नहीं दिखाने के बाद उन्होंने भारत के लिए अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया और बोले, दिल में भारत की मोहब्बत बसती है। अब हम तुमको कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे, हमारा नाम काफी है, हमारी भारत से मोहब्बत का, हमारे बुजुर्गों के आस्थाने काफी है हमारी भारत से मोहब्बत के फसानों का बयान करने के लिए, हमारे कब्रस्तान काफी है जिसमें हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर सो रहे हैं भारत से मोहब्बत का सर्टिफिकेट देने के लिए। मान लिया ओवैसी साहब दिल में भारत की मोहब्बत बसती है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या जिसमें रह रहकर नफरत जागती हो और लोगों को भड़काने की कोशिश होती हो, ऐसे दिल का करें तो क्या करें? उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता जो 24 उत्तर प्रदेश में मरे हैं, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, याद रखो, वो तमाम के तमाम जिंदा है, अल्लाह उनको गिजा पहुंचाता है, वो जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिस जालिम ने उनको गोली मारी वो मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है, वो बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। अब बयानों से अगर ओवैसी आग बरसाएंगे तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भड़के नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी में मेरठ के सरगना से बीजेपी विधायक संगीत सोम वक्त गवाए बिना ओवैसी पर टूट पड़े और बात जूते मारने तक की आ गई। और मैं ओवैसी को यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे, जूते खा के भी कागज दिखाने पड़ेंगे। देश में रहना है तो देश के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा और जो कागज सरकार मांगेगी, जो शासन मांगेगा, वो देना ही पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि सीने कम पड़ जाएंगे, गोली कम पड़ जाएंगे, जो भी कहना चाहते हैं, मैं यही बताता हूं कि वो जूते खाएंगे और कागज दिखाएंगे, दिखाने ही पड़ेंगे। संगीत सोम और ओवैसी के बीच में वैसे तो अक्सर ही 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन जब वार पलटवार का मौका हो तो किसी से चूक हो नहीं सकती। अगर ओवैसी अक्सर विवादित बयान देते हैं तो संगीत सोम भी ओवैसी से कम नहीं। अब CAA और NRC को लेकर जंग कब खत्म होगी ये तो पता नहीं, लेकिन मुद्दों के बहाने विवादित बयान देने वालों पर पाबंदी जल्द से जल्द लगनी चाहिए। इसलिए हम नेताओं से कह रहे हैं, जब भी बोल तोल मोल के बोल। आगे हम आपको बुर्का से लेकर धोती कुर्ता तक पर बयान वीरों को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो
तोल मोल के बोल में दो लोगों की बात तो हमने कर ली, चलिए अब तीसरे मंत्री की भी बात कर ले। बात उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह की। विवादित बयान देने वालों की लिस्ट में इनका नाम अभी अभी शामिल हुआ है, लेकिन बयान ये गजब का देते हैं। जब इनका मुंह बंद नहीं हुआ तो बीजेपी ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कारण बताओ नोटिस का कारण क्या है दिखाते हैं आपको। सियासत चमकानी हो और सुर्खियों में ना हो तो सियासत हो ही नहीं सकती। सियासत का सिंपल सा फंडा है, विवादित बयान देते रहिए और सुर्खियों में बने रहिए। इसी लाइन पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह। राजनीति में ये नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रघुराज सिंह जो भी बयान दे रहे हैं उससे अब उनकी खूब चर्चा हो रही है। एएमयू छात्रों को जिंदा गाड़ने का बयान देने के बाद मंत्री ने बुरके को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने कहा है कि श्रीलंका समेत कई देशों ने बुरके पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए भारत में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं। जैसे श्रीलंका में बंद है, इसलिए भारत में भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये बुरका समाप्त करना पड़ेगा, ऐसी मेरी भारत सरकार से मांग। अब रघुराज सिंह बयान देकर फंसते, इससे पहले ही संगीत सोम ने फिर से मोर्चा संभाला और रघुराज सिंह के बयान पर सहमति जताते हुए समर्थन दिया। मैं तो बहुत पहले से कहूँ, आप लोगों ने चलाया भी था, बुरखा तो अनार्किस्ट लोगों का काम है और बुरखा ये तो महिलाओं का एक उत्पीड़न है। बुरखा कभी भी किसी लॉ के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से नहीं है। बुरखा तो महिलाओं पे पाबंदी और उस बुरखे की आड़ में जितने गलत काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। संविधान खतरे में है और आतंकवाद का एक प्राय बनता जा रहा है ये बुरखा। बुरखा तो 100% बंद होना ही चाहिए। भले ही संगीत सोम ने रघुराज सिंह को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बात बुरके की थी तो बात बढ़ गई। एएमयू हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इरफान हबीब और लखनऊ में मौलाना सूफिया निजामी ने रघुराज सिंह पर पलटवार करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, बुरके का तो है कि पहले जमाने में औरतें अपना मुंह छुपाती थी। हिंदुस्तान में भी घूंघट का बहुत पुराना है, तो कोई बाहर से नहीं आया। ये वैसे मुसलमानों में भी मिडिल क्लास के लोगों में बुरका शुरू हुआ, मौजूद पहले भी था, उसके बाद भी था। और बहुत सी औरतें बुरका नहीं भी पहनती हैं, बहुत सी सिर्फ गर्म ऊपर डाल लेती हैं, सर के ऊपर हिजाब डाल लेती हैं। तो ये तो हर एक का अपना तरीका होता है। बुरके का ताल्लुक है तो बुरका मजहब इस्लाम में एक पर्दे का लिबास है और हर मुस्लिम महिला पर्दा करने को और अपने आप को इस्लामी शियार के तईं अपनाने को और इस्लामी शियार के मुताबिक चलने को फख्र और गर्व महसूस करती है। लेकिन इस तरीके के लोग वक्तन फवक्तन बुरके पर हमला करके और बुरके को बदनाम करने के लिए कभी अपने लोगों को बुरका पहनाकर मुसलमानों के दरमियान भेजते हैं जहाँ पर महिलाएं बुरका ओढ़ती हैं और कुछ ऐसी घटिया हरकत करवाने की कोशिश करते हैं जिससे पूरे मजहब की और पूरे लिबास की और पूरे बुरके की बदनामी हो सके। बुरके पर बयानबाजी और राजनीति कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार बुरका पर बवाल हो चुका है और बवाल मचाने वाले नए नए बयान बहादुर हैं, नाम तो आप जान ही गए। यूपी से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह। बुरका पर बयान देने से पहले रघुराज सिंह ने सनातन धर्म को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। मैंने ईमानदारी से बात कही है, हकीकत कही है। 2250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं है, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं है, 352 साल पहले खालसाओं का इतिहास है। सनातन धर्म से ही सभी लोग माइग्रेट हुए हैं, एक ही धर्म है विश्व में, केवल 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 सनातन धर्म। 1,92,00,000 पुराना हमारा धर्म है, इसलिए ये धर्म जो है बहुत स्वावलंबी धर्म है, जी और जीने देने की इसकी आदत में है।
भले ही रघुराज विवादित बयान के मैदान में अभी उतरे हों, लेकिन बयान देने में किसी से कम नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान खुलेआम कहा था कि अगर देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना ही होगा। बंधुओं, समय आ गया है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की रूपरेखा में रहेगा वही इस देश में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो वो रह नहीं पाएगा। इस हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। हेलो, हमने तय किया है कि गोली का जवाब गोला से देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर रघुराज सिंह ने कहा, मोदी और योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के आइकन हैं और उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसे दफन कर देंगे। हमारे नेतृत्व को जो जिंदा दफनाने की बात करेगा हम उनको घर से ही जिंदा दफना देंगे। झुकेंगे हम, झुकेंगे नहीं। कुत्ते की मौत मारे जाएंगे ये लोग, जो भी देशद्रोहिता का काम करेंगे कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। मेरे बंधु, पुलिस और फोर्स को आदेश है ऐसे लोगों का तत्काल मुठभेड़ में मारा जाए। झुकराने के इन लोगों के साथ, इन लोगों ने बहुत गुंडागर्दी कर ली है। अब रघुराज सिंह अलीगढ़ में हो और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर बयानबाजी ना हो तो बयान अधूरा ही रह जाता है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विशेष करके उन गुंडाओं से मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन चाहेंगे उस दिन नाम बदल देंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी बना देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बंधु, हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान के वासी बन के रहोगे और हिंदुस्तान का विरोध करके हिंदुस्तान में रह नहीं पाओगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देश है मेरे बंधु। यदि कोई ये सोचे कि हिंदुस्तान के टुकड़े करके और इस देश में रह लें, इस देश में हरगिज हम रहने नहीं रहेंगे। ये तो दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह रहे। आगे हम आपको बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह की मंदी पर वीर गाथा सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तोल मोल के बोल, इसमें पर्चे से लेकर बुरके तक की कहानी हमने आपको बताई, अब धोती कुर्ता की कहानी भी बताते हैं। दरअसल बलिया से बीजेपी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, मस्त नाम में सांसद भी जुड़ा हुआ है लेकिन गंभीरता बिल्कुल भी नजर नहीं आती। नाम के मुताबिक वीरेंद्र सिंह मस्त ने मस्ती मस्ती में मंदी पर कौन सा अद्भुत ज्ञान दिया है, चलिए दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था पर घिरती मोदी सरकार, बीजेपी सांसद का बेतुका बयान, मंदी होती तो नहीं पहनते कोट पैंट, मस्त का बेतुका बयान। बयानों के बयान वीर किसी पार्टी में कम नहीं है, लेकिन पार्टी की सत्ता अगर राज्य और केंद्र दोनों में हो तो जनता से जुड़े मुद्दों पर नेताओं को अपने बयानों पर लगाम देने की जरूरत है। चूंकि इस बयान का गुस्सा कब और कहां जनता निकालेगी ये नेताओं को बखूबी पता है। दिल्ली में, दुनिया में इस समय बड़ा जोर बहस चली है, मंदी हो गई, चलन बन बहस, दुनिया में मंदी हो गई। कैसी मंदी हो गई? अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते, चादर नहीं होता, जैकेट नहीं होता, कोट नहीं होता। ये देखिए देवियां कैसे बैठी, कहां से बैठी, ये दुकान पर कपड़ा नहीं खरीदते हम लोग, दुकान पर ये चादर नहीं खरीदते, ये कुर्ता नहीं खरीदते, ये पैंट नहीं खरीदते, पैजामा नहीं खरीदते, तो कहां से आता, कहां से खरीदते। जिन जनाब का ये बयान आपने सुना है, दरअसल वो बलिया से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है। अपने बेतु के बयान से फिलहाल वो काफी चर्चा में है। दरअसल इस बयान को लेकर सांसद जी ने गिरती अर्थव्यवस्था पर विपक्ष को घेरने का सोचा था, लेकिन मंदी पर दिए गए अपने बेतु के बयान से फिलहाल वो खुद ही घिर गए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मंदी तब दिखाई पड़ेगी जब हर चौराहे पे आदमी भूखा बिना कपड़े के बैठा होगा, उसकी आंतें दिखने लगी होंगी, पेट पीठ से मिल गया होगा, तब जाके शायद उनको पता चलेगा देश में मंदी आई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री वीरेंद्र मस्त जी एक पहलवान हैं, तो उसी बुद्धि से उन्होंने बयान दिया है। और जब कोट पैंट की बात करते हैं तो शायद वो अडानी, अंबानी, ललित मोदी और विजय माल्या की बात कर रहे हैं। तो आदरणीय सांसद जी अहंकार से बाहर निकलें
और उन कोट पैंट के साथ लोगों का साथ छोड़ करके धोती कुर्ता और जो सामान्य वस्त्र भूषा धारण करते हैं गांव में लोग, उनके साथ खड़े हों, तब वो सही जनप्रतिनिधि साबित हो सकते हैं। अब बयान के बाद उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। आज भी देखिए बैंकों में, जो गांव के क्षेत्रों में, कस्बों के क्षेत्रों में बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, वो महानगरों में उतना पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। गाँव और कस्बों से संबंधित जिलों में जितना पैसा डिपॉजिट होता है, उतना कहीं महानगरों में पैसा डिपॉजिट नहीं होता है। कौन किसका पैसा होता है? अनाज बेचने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, ठेला लगाने वाले। अपने देश में जो आमदनी में बचत करने का और संचय करने की जो परंपरा है, उसी परंपरा से कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संचालित होती है। बता दें कि इससे पहले भी वीरेंद्र सिंह मस्त कई बयान दे चुके हैं। पिछले कुछ महीने पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई गिरावट पर भी उन्होंने बयान दिया था। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए आर्थिक सुस्ती की बात कही जा रही है। इस देश को बदनाम करने के लिए, शासन को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं कि ये खरीद ऑटोमोबाइल के कम हो गए हैं। ऑटोमोबाइल के खरीद कम हो गए हैं तो सड़कों पर जाम गाड़ियों से क्यों लगते हैं? वहीं एक विवादित बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी दिया गया, जहां वार करते उन्होंने कहा कि वो तीन पौधों को भी नहीं पहचान सकते, अगर वो ज्वार, गेहूं और धान का पौधा पहचान ले तो वो उनका सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि वीरेंद्र सिंह के ये बयान सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही हो, कई बार वो अपनी पार्टी को भी घेर चुके हैं। जहां एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का उतना सहयोग नहीं कर रही जितने के वो हकदार हैं। अब फिलहाल ये देखना होगा कि उनके इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत क्या रंग लेती है। लेकिन बीजेपी में अगर बेतुके बयानों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। बलिया से मुकेश मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन नेताओं के बयान सुनकर कबीर का दोहा याद आता है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। क्या ये आज के वक्त में भी प्रासंगिक है या फिर इन नेताओं ने इसे पढ़ा भी है या नहीं? फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। कागज नहीं दिखाऊंगा, जूते खाएंगे और कागज भी दिखाएंगे। मैंने बुरके की बैन इसलिए किया है क्योंकि इसमें आतंकवादी घुसते हैं।